जितने भी फैंस है ना जो लाइव आए हुए, उनको दो बात नहीं पता है, मैं दो बार इंजर्ड हुआ हूँ आखिर में अपने करियर में, और दोनों इंजरी की वजह से इंडिया को दो ऐसे बॉलर मिले जो सबसे खतरनाक बन के आ गया है। एक भुवनेश्वर कुमार, वो मेरी जगह पे आया था जब मैं इंजर्ड हुआ था, और एक तू। तेरे को याद है तेरा कमबैक हो रहा था या तूने डेब्यू किया था वेस्ट इंडीज सीरीज में? मैं 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में मैं टीम में था, और वही टीम जा रही थी इधर वेस्ट इंडीज, मेरी हैमस्ट्रिंग गई और मेरा रिप्लेसमेंट था तू। दिसंबर में था ना वो, नवंबर दिसंबर में था। हाँ, तेरे को याद है? नहीं है मेरे को, बिल्कुल याद है। ये दोनों बार ऐसा हुआ, और कभी कभी सोचता हूँ अच्छा ही हुआ क्योंकि दो ऐसे बॉलर मेरे वो कमाल के बॉलर। हाँ, एक नहीं, मेरे को याद है, मेरे को याद है चैंपियंस ट्रॉफी के बाद की सीरीज। ये देख किसी ने लिखा भी है, एस जे खान, सही है, सही पकड़े हैं खान साहब, एकदम सही पकड़े हैं। मेरे को ये बता कि जब तूने मेरा रिकॉर्ड तोड़ा जो फास्टेस्ट 100 विकेट का वनडे में, वो कैसा फील हुआ तेरे को? क्योंकि यार फास्टेस्ट 100 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं है यार वनडे में, और क्योंकि वनडे में कैसा यार कि तुम विकेट लो ना, अगर हर एक कोई भी बॉलर एक विकेट पर मैच 1.5 विकेट लेता है उसका करियर कमाल का रहता है। अगर 100 वनडे खेला है, 150 विकेट निकाला है, सॉलिड करियर है। 150 मैच खेला है उसने, अगर 250 विकेट, 225 विकेट निकाले, जबरदस्त करियर है। लेकिन तू एक अलग लेवल पे ही है। एक तो ये बता सोच क्या रहती है जब तू बॉल डालता है, क्योंकि सबको मालूम है सीम की बात होती है, पेस की बात होती है, रिदम की बात होती है, फिटनेस तूने किस तरह से ठीक किया, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी तेरी सोच क्या होती है। मतलब तू क्या क्या सोचता क्या है कि मतलब मार खाऊंगा तो चलेगा, सिर्फ विकेट ही लेना है, क्या है? क्योंकि विकेट हर मैच में लेता है यार। डिपेंड करता है कि हम किस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। पहले तो ये माइंडसेट होता है कि हम अगेंस्ट में किसके खेल रहे हैं। जैसे हम लोग रात को सोते हैं तो दिमाग में रहता है कि ये टीम सामने है हमारे। बट वो एक क्वेश्चन, पहला मेरा क्वेश्चन मार्क रहता है कि टीम कौन सामने है। अगर टीम लगा कि हाँ हमारे एवरेज वाली है तो सुकून की नींद आती है, तो हमेशा रहता ही है हम लोगों का। बिल्कुल, अच्छी टीम रहती है कि हाँ स्ट्रॉन्ग टीम है सामने से, तो हाँ। थोड़ा टेंशन रहती है, हो सकता है कप्तान नया ना डालाए बॉल, हो सकता है कि वन चेंज पे आ जाए या बिल्कुल नया डालने लग जाओ आप, तो वो विराट से रहता है कि हाँ क्या करना है। मैं आइडिया कर लेता हूँ, मतलब मैं मैक्सिमम टाइम पे इस पे डालूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर देखते हैं चेंज करते हैं, ठीक है, फिर उसी हिसाब से माइंडसेट करता हूं। लेकिन जब मैं बोल लेता हूं, अब मैं भूल जाता हूं, फिर मुझे रहता है, मुझे यार अगर मैं इसको बहुत अच्छा डाला, अगर मैं टाइट करके डाला, सपोज करो मैं 2 रन ओवर के हिसाब से, 3 रन ओवर के हिसाब से मैं डाल के निकल गया और मुझे विकेट नहीं मिली, तो बाद में मारेगा। हाँ, मार तो पड़ ली है, वाइड बॉल है, बाद में मारेगा, वाइड बॉल है, हिलेगा नहीं। पहले आउट, लेकिन हाँ पहले मैं देखता हूँ मैं, भाई मार ले थोड़ा सा लेकिन विकेट दे दे। मतलब वो रिस्क वाला फैक्टर है कि तू रिस्क लेता है कि ठीक है यार, मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ रिस्क, लेता हूँ, मैं मार खाने के लिए तैयार हूँ कि भाई तू मारने को देख। क्योंकि देखो अगर हम 3 रन के ओवर्स के 3.5-4 तक भी अगर हम देखे विकेट नहीं लेते हैं तो बाद में वो 350 तो घुसने हैं, सब जाने ही है, एक ना एक को मार पड़नी है सही से, और 350 जाएंगे। सपोज करो हम 6 अगर सर्कल में डाल रहे हैं, अगर हम 40 रन देकर 2 विकेट निकाल लेते हैं, 45 रन देखो, मैं कह रहा हूँ 50 दे दो, 3 निकाल लो, तो हमारी मार बच जाती है फिर। सही बात, तो मेरा फंडा यही रहता है कि 6 का एवरेज चला जाए चाहे, लेकिन मुझे विकेट मिलनी चाहिए पहले। अगर 3-4 ओवर में अगर हमें विकेट मिल गई तो फिर आप राजा हो फिर।